आज के इस विलक्षण समारोह में उपस्थित और इसके हेतु जिसके कारण यह समारोह संपन्न हो रहा है, वे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, सबसे पहले तो उन्हें प्रणाम करता हूँ आप सबके माध्यम से। जितने लोग इस सदन में मौजूद हैं, मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि अगले 2-2.5 घंटे जो हम संवाद करेंगे, इसमें मुझे आपकी पूरी सहभागिता चाहिए। और हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, उस बात में आपकी उन्मुक्तता चाहिए, आपकी खुशी चाहिए, आपके चमकते चेहरे चाहिए। यहां सनातन धर्म पर आस्था रखने वाले लोग बैठे हैं, यहां इस्लाम पर ईमान लाने वाले लोग बैठे हुए हैं, यहां दशमेश पिता की संतानें भी बैठी हुई हैं, पगड़ीधारी बंधु भी बैठे हुए हैं, अलग अलग लोग बैठे हुए हैं। ये क्यों आ गए हैं? इसका कारण है, इतने लाखों वर्षों में भी भगवान हमसे पराया है, हर बार आया है, हर बार आता है। कभी कृष्ण बनकर आता है, कभी राम बनकर आता है, कभी गुरु गोविंद सिंह जी बनकर आता है, कभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर के रूप में आता है, कभी ईसा मसीह के रूप में आता है, कभी बुद्ध के रूप में आता है। उर्दू की शायरी कहती है, कितने अवतार हुए कितने पैगंबर आए, कितने अवतार हुए कितने पैगंबर आए, तू ना आया तेरे पैगाम बराबर आए। उसके पैगाम जरूर आते हैं, लेकिन हम बहुत शातिर हैं, मनुष्य बहुत शातिर है। मनुष्य से अधिक चालू जानवर पूरी पृथ्वी पर नहीं है, सबसे तेज जानवर है। और मनुष्य की यात्रा जानवर से शुरू हुई है और उसे देवता तक पहुंचना है, लेकिन वो बहुत तेज है। जो काम उसे कठिन लगता है उसे वो कोष्ठक में बंद कर देता है। ईश्वर पृथ्वी पर आया, हमें गले लगाया, हमारा दोस्त बना, हमारे साथ संबंध स्थापित करे, हमारा भाई बना, उसने करके दिखाया कि ऐसे होता है। हमको लगा ये तो बहुत मुश्किल है, बाप की माननी तो बहुत मुश्किल है, घर छोड़ के निकलना तो बहुत मुश्किल है। तो हमने कहा एक काम करते हैं, मुश्किल आसान करते हैं, ये ईश्वर है इसे मंदिर में बंद कर देते हैं, और फिर कहेंगे यार ये तो ईश्वर है, ये कर सकता है, हम तो आदमी हैं। हमने चालूपने से काम लिया। महात्मा गांधी के मार्ग पर चलना कठिन था, इसलिए हमने हर शहर में महात्मा गांधी मार्ग बना दिया। मनुष्य की यात्रा पशु से देवता बन जाने की यात्रा है। आज की तिथि में इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जो आप कुछ हजार लोग सुन रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि इसमें कुछ ना कुछ ईश्वरीय योग भी है। राम पर हिंदी की पहली बड़ी कविता खड़ी बोली के लिखने वाले मैथिली शरण गुप्त का आज जन्मदिन है, आज हरियाली तीज है। आज के दिन ही भगवान शंकर ने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि रामचरितमानस की जो रामकथा है वो यहीं से प्रारंभ होती है, जिसमें शंकर पार्वती को ये बता रहे हैं कि मैं किसकी पूजा करता हूं। आज ही का दिन तय हुआ, जब ये तिथि तय हुई तब मुझे भी पता नहीं था कि हरियाली तीज होगी। आज की सभा उपनिषद है, जितनी देर हम बैठेंगे। उपनिषद कैसे है? उपनिषद शब्द की बड़ी प्यारी व्याख्या। जब हमारे ऊपर आक्रमण हुए 10वीं शताब्दी के बाद से, तो शायद कुछ लोगों को पता हो कुछ को ना पता हो, हमारे पुस्तकालय जला दिए लोगों ने आकर। गजनी आया, गौरी आया, उसने कहा किताबें इनको जला दो, आग लगा दो, तो किताबें नष्ट होने लगी। तो हमारे गुरुओं ने एक युक्ति तैयार की, उन्होंने कहा किताबों का अगर जला रहा है तो जला दो। गुरु ने जिसको 4 साल गुरुकुल में पढ़ाया, उसमें सबसे मेधावी जो छात्र था, जिसको बुद्धि जिसकी ठीक चलती थी, जिस स्मरण अच्छा होता था, उसको कहा कि मुझे गुरुदक्षिणा दोगे बेटा? शिष्य ने कहा गुरुजी मैं तो 4 साल पढ़ा हूं, आप बताइए मुझे क्या करना है। तो उन्होंने कहा गुरुदक्षिणा में मुझे कुछ सामान मत दो, ये 4 वेद हैं इन्हें याद कर लो, बस इनको याद कर लोगे तो मैं मान लूंगा कि गुरुदक्षिणा हो गई। और एक मुझे कसम दो कि हर साल 1 वेद किसी को याद कराओगे, एक विद्यार्थी को ये 4 वेद। जिसने 4 वेद कंठस्थ किए उस मेहनीय मेधावी विद्यार्थी को गोत्र नाम दिया गया चतुर्वेदी, 4 वेद याद करने वाला। इसके बाद जो दूसरा था जिसे 3 वेद याद हो सकते थे, उसे कहा गया तू त्रिवेदी। जिसे 2 वेद याद हो सकते थे वो द्वेदी। जिसे मिश्रित ज्ञान प्राप्त हुआ, गीता भी पढ़ी, उपनिषद भी पढ़ा, शास्त्र भी पढ़ा, उसे मिश्र कहा गया। और जिसने गुरु के पास बैठकर सीखा उसे उपाध्याय कहा गया, क्योंकि उसने उपनिषद किया। तो आज के दिन हम और आप उपनिषद कर रहे हैं, हम एक दूसरे के पास बैठे हैं और इस बात पर चर्चा कर रहे हैं।
आप सोच के देखिए, आपकी कॉलोनी में जो 3 कोठी दूर रहता है, 3 फ्लैट दूर रहता है, जो आपके दोस्त रहते हैं, वो माहेश्वरी जी फोन करके कहते हैं कि यार वो गुप्ता जी मैं आपके घर आ रहा हूँ, जरा मैं और मैडम आ रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, सोफे पर जो तकिए उल्टे सीधे पड़े हैं उन्हें थोड़ा ठीक कर देते हैं, कर देते हैं ना। लेकिन अगर दूसरे शहर से आपके बहनोई फोन करें कि भाई साहब आज शाम तो हम आपके घर आ रहे हैं, पकौड़ी बनवा लीजिए, तो आप चादर भी बदल देते हैं, बैठ के चादर भी बदल दो, कमरा भी ठीक रख दो। लेकिन अगर किसी दिन आपका कोई सुपरस्टार जैसे आप पसंद करते हो, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, प्रधानमंत्री, कोई भी आपसे कह दे कि मैं आपके घर आ रहा हूं, तो आप इंटीरियर वाले को बुलाते हैं, कहते हैं सारा बदल दो, आगे से भी सही कर दो, पेंट ठीक कर दो, ये भी कर दो, बड़ा अतिथि आ रहा है, ज्यादा साफ सफाई करते हैं। तो जब इन सामान्य अतिथियों के आने पर इतनी साफ सफाई है, तो इस परिसर में तो राम उतरने वाला है, इसलिए ज्यादा साफ सफाई की आवश्यकता, ज्यादा अच्छा, जिसे कहते हैं ना भक्त हो जाना विषय का। इसके विपरीत शब्द क्या है, इसके विपरीत शब्द है विभक्त। विभक्त कभी भक्त नहीं हो सकता। तो इस परिसर में बैठिए तो विभक्त होके मत बैठिए, 100% किधर के होकर। मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझसे बड़े ने कहा, बाबा ने कहा, तुलसीदास ने कहा, स्वांते सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। पर ये मेरी स्वयं की यात्रा है और इसका लाभ आपको भी मिलेगा। हर कला अपने आप शुरू होती है, स्वांते सुखाए शुरू होती है, अहेतुक शुरू होती है। अहेतुक बड़ा प्यारा शब्द है। जैसे 2000 किलोमीटर दूर समुद्र में 3 लहरें 4 लहरें बड़ी बड़ी लिपट के एक दूसरे से नाचती हैं, आधा आधा किलोमीटर ऊंची उठ के, इसलिए नहीं नाचती कि सैटेलाइट उन्हें देखे, इसलिए नहीं नाचती कि वो डॉल्फिन जो बाकी तैर रही हैं उनका कोई वो डांस का कोर्स करवाना है, वो इसलिए नाचती है कि उनके अंदर ये ऊर्जा है, इसे अहेतुक कहते हैं। तो आज का ये सदन, आज का ये सत्र अहेतुक सदन है। मनुष्यता ने जितने सपने देखे हैं उनमें राम सबसे सुंदर सपना है, सबसे प्यारा सपना है। और हम कई बार अहंकार में होते हैं, आप भी होते हैं, इसमें महफिल में मैं देख रहा हूं कई आईएएस अधिकारी बैठे हुए हैं, कई आरएएस अधिकारी बैठे हुए हैं जिनसे मैं परिचित हूं, जो प्रशासन में काम करते हैं, कई डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। सत्ता अहंकार करती है। विश्वामित्र जब लेने गए राम को, तो दशरथ ने कहा इसे ही क्यों ले जा रहे हो, मेरी सेना ले जाओ, किसी और को ले जाओ। तो विश्वामित्र ने कहा कि 4 चीजें हैं जिनमें से एक आ जाए तो आदमी अहंकारी हो जाता है, यौवनम जवानी, धन पैसा, संपत्ति, आपकी महल दुमहले, प्रभुत्वम प्रभुत्व। ये आ जाए कोई एक तो आदमी अहंकारी हो जाता है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकमपि अनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम्। एक आ जाए तो अनर्थ हो जाता है, अगर चारों साथ हो तो महा अनर्थ। लेकिन आपके बेटे के पास ये चारों हैं, उसके बाद भी ये विनम्र, इसलिए इसे ले जा रहा हूं, इसलिए इसको अपने पास चाहता हूं। आद्य शंकराचार्य जी ने जब पूरे भारत में सनातन धर्म का झंडा फहरा दिया, तो सुनते हैं कि वो बनारस गए थे और सुबह सुबह बनारस में पूजा करते में परिक्रमा कर रहे थे मंदिर की, बाबा विश्वनाथ की। अहम ब्रह्मास्मि कहते थे ना, उनका था अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर ब्रह्म है, आपके अंदर भी ब्रह्म है, सबके अंदर ईश्वर है। तो सुबह सुबह जब निकले तो सामने से कूड़े का मल का टोकरा उठाए हुए उन्हें एक सफाई कर्मचारी मिल गया, गंदे से वेश में। आद्य शंकराचार्य जी शंकराचार्य होने के अभाव में थे, उन्होंने कहा हटो हटो, रास्ता छोड़ो रास्ता छोड़ो, तो वो और चौड़ के खड़ा हो गया। तो शंकराचार्य गुस्से में आ गए, उसने कहा मूर्ख मेरा रास्ता रुकता है, रास्ता छोड़ हट सामने से। तो सामने खड़े हुए सफाई कर्मचारी ने कहा किसे हटाता है, मुझे हटाता है या मेरे अंदर जो बैठा है उसे हटाता है, किसे हटाता है। एक क्षण के लिए बोला तो आद्य शंकराचार्य को लगा ये तो अहम ब्रह्मास्मि है, और सुनते हैं कि वो सफाई कर्मचारी भगवान शंकर के रूप में परिवर्तित हो गया, यानी कि शंकर खुद कहने आए थे तो बोल तो रहा है लेकिन इसे समझ भी ले जो कह रहा है, आज इस अहम ब्रह्मास्मि को समझ भी ले। विवेकानंद ने बहुत अच्छा कहा था, मोमेंट आई हैव रियलाइज्ड गॉड सिटिंग इन द टेंपल ऑफ एवरी ह्यूमन बॉडी, मुझे जब भी लगता है कि ईश्वर बैठा है किसी के अंदर, द मोमेंट आई स्टैंड इन रेवरेंस अबाउ एवरी ह्यूमन बीइंग एंड सी गॉड इन हिम, द मोमेंट I am free from bondage. Everything then binds, vanishes, and I am free. आप जिस समय दूसरे के अंदर ईश्वर देखना शुरू कर देंगे, उस समय आप मुक्त हो जाएंगे इस सारे वितंडे से कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो और ईसाई हो। तो मुझे लगता है कि राम पर इसलिए बोलना है कि मनुष्यता की आंख के सबसे बड़े सपने हैं। मैंने कविता लिखी थी, मुझे लगता है आज वहां से शुरू करना चाहिए। मानवता की खुली आँख के स
सबसे सुंदर सपने राम मानवता की खुली आँख के सबसे सुंदर सपने जिव्यावाणी अर्थवती हो गई लगी जब जपने राम जिव्यावाणी अर्थवती हो गई लगी जब जपने अपने अपने देखे थे माता पिता गुरु जन परिजन ने अपने अपने देखे थे दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम दुनिया भर में देखे अपने 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 राम अपने 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 राम मानवता सूरदास के रसिक शिरोमणि मीरा के नटवर नागल सूरदास के रसिक शिरोमणि मीरा के नटवर नागल वाल्मीकि तुल कंबन के अपने 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 राम वाल्मीकि तुलसी कंबन के अपने 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 राम मानवता की खुली आँख के सबसे सुंदर अपने राम अपने 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 राम मानवता की दुनिया राम एक दिन में नहीं बने हैं इवैल्यूएशन है एक बड़ी परंपरा है जो उनके माध्यम से आई है हम लोग विदेश से बहुत प्रभावित होते हैं अगर मैं आपसे पूछूं कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ तो इस हॉल में बैठे हुए 90% लोग ये कहेंगे कि डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है ऐसा डार्विन की थ्योरी ऑफ हम अपना धर्म नहीं पढ़ना चाहते अपना अपनी चीजें नहीं पढ़ना चाहते हम गीता नहीं पढ़ना चाहते हम कुरान शरीफ नहीं पढ़ना चाहते हम दशमेश पिता का ज्ञान जो गुरु के रूप में उपलब्ध है उसे नहीं पढ़ना चाहते कहने का तात्पर्य यह है कि हम धर्म को मानते हैं पर धर्म की नहीं मानते लेकिन आप ध्यान से देखें तो भारत में जो दशावतार की परंपरा है जो हजारों वर्ष पहले लगभग 5-6 हजार वर्ष पहले तो इसकी कार्बन डेटिंग के प्रमाण है जिसके लिखे जाने के डार्विन तो अभी आए हैं 100-200 साल पहले वो बताकर गया है कि मनुष्य कैसे बना जैसे डार्विन क्या कहता है पश्चिम क्या कहता है कि जीवन सबसे पहले कहां शुरू हुआ जल में शुरू हुआ पानी में शुरू हुआ हमारा पहला अवतार कौन है मत्स्य अवतार मीन मछली कहां पैदा हुई पानी में पैदा हुई फिर उसके बाद कहता है कि आगे बढ़ी थोड़ी सी प्रकृति तो एक ऐसी चीज पैदा हुई जो पानी में और जमीन पर दोनों चल सकती थी क्या नाम है उसका कछुआ कच्छप अवतार मीन कमठ सूकर नरहरी उसके बाद क्या आया तीसरी चीज जो पानी
जमीन और कीचड़ तीनों को भेज सकता है, वो कौन है? वराह अवतार, जिसे कहते हैं सूकर। और उसके बाद मनुष्य बनना प्रारंभ हुआ, लेकिन पूरा नहीं बना, आधा पशु रहा आधा मनुष्य बना। कौन बना? नरसिंह अवतार। देखिए थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन चल रही है, अपने आप चल रही है, जो विदेशी समझ में नहीं आए। यहां तक आधा मनुष्य बना, अब पूरा मनुष्य बनेगा, लेकिन पूरा नहीं बन रहा, वो छोटी हाइट का बन रहा है। कौन पैदा हुआ? वामन अवतार। वो छोटा है, उसकी हाइट अभी बड़ी नहीं है। वामन के बाद कौन हुआ? एक ऐसा पुरुष जिसे कहते हैं केव मैन, गुफा मनुष्य, जो कम कपड़े पहनता है, गुस्से में रहता है, हर समय कुल्हाड़ा हाथ में लिए लेता है, जिसका अपनी इंद्रियों और अपने क्रोध पे काबू नहीं है, जो अपने पिता के कहने पर मां की तरफ कुल्हाड़ा लेके चल देता है। कौन पैदा हुआ? परशुराम पैदा हुआ। देखिए आप आगे चल रही है, हैं? जिनके बारे जिनको समझानी पड़ी लक्ष्मण को कि ज्यादा उंगली वंगली मत दिखाओ, यहां कुमण बतिया को नाई। परशुराम के बाद एक ऐसा मनुष्य पैदा हुआ जो है तो दीप्ति में परशुराम जैसा, लेकिन जो ज्यादा सामाजिक है, जो मर्यादा समझता है, जो इस प्रकृति में अब जो आगे चलेगा उसका नियमन करने आया है, उसकी मर्यादा स्थापित करने आया है, उसका नाम हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो पैदा हुआ। तो एक तरीके से डार्विन की थ्योरी के साथ साथ आगे बात चल रही है। लेकिन राम कैसे हैं? राम शांत रहते हैं, प्रिंस चार्मिंग है, मुस्कुरा देते हैं, ज्यादा गुस्सा आते हैं, बड़े सीधे हैं, बड़े सरल हैं, सीधी बात करते हैं, विनम्र हैं। जब उनसे कहते हैं लक्ष्मण कि आप कब्जा क्यों नहीं कर लेते हो, मैं प्रतिमा नाटकम पढ़ रहा था उसमें मैं देखा, तो उन्होंने कहा तीन तरह के पातक होते हैं, जिस पिता ने रक्त दिया है उसके खिलाफ जाऊं ये एक पातक है, जिस माँ ने मुझे सगी माँ से भी ज्यादा प्यार से पाला है उसके खिलाफ जाऊं ये एक पातक है, और पाप जिसकी सोच की सीमाओं के बाहर खड़ा होकर पराजित भाव से देखता है उस भाई भरत के खिलाफ जाऊं ये भी एक पातक है। तू मेरा भाई है, बता दे कौन सा पातक करके मरूं, बता कैसे करूं। वो राम पहले सामाजिक व्यक्ति हैं। तो राम का डीएनए जो है वो रिसेशन का डीएनए नहीं है, वो इवोल्यूशन का डीएनए है। इसलिए उनमें अपने घर के सारे लक्षण हैं। उनके एक पूर्वज है दिलीप, जिन्होंने गाय को बचाने के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। सच्चे वाले गौपालक थे वो, ऐसे वाले नहीं जो आजकल घूम रहे हैं, अच्छे वाले वो उसकी तरह गौ प्रेमी है, गाय को बचाने का संकल्प कहते हैं। विप्र धेनु सुरहित लीन मनुज अवतार। तो सीता जी ने कहा विप्र धेनु और देवताओं और संतों के हित में अवतार लिया है। दूसरे वो अपने सबसे पुराने पूर्वज हरिश्चंद्र, जिन्होंने मणिकर्णिका घाट पर अपनी पत्नी से टैक्स मांग लिया था, और जब उन्होंने साड़ी को फाड़ा वहीं से सतयुग के समापन की घोषणा हुई। उनका पूर्वज है वो, उसकी तरह है वो, अपने पिता की तरह बात पर अड़ जाने वाले हैं, अगर एक बार कोई बात कह ली है तो वो ही करना। उनके एक और पूर्वज है भगीरथ, जिन्होंने हजारों वर्ष तपस्या की। मैं गया था हर्षिल में, बापू ने बुलाया था, मुरारी बापू ने अपनी कथा में कविता पाठ के लिए। हरिशिला वो जगह है, हर्षिल गंगोत्री के पास, जहां बीच गंगा में भगीरथी की धारा में बहुत बड़ी चट्टान फंसी हुई है, उसके ऊपर बैठ के हजारों साल तप किया ऐसा सुनते हैं, तब जाकर गंगा प्रकट हुई और पृथ्वी पर आई, मोक्षदायिनी बनी। उनमें भगीरथ जैसी इच्छा भी, इसलिए उनका वंश इक्ष्वाकु वंश कहलाता है। संस्कृत के विद्वान लोग यहां पर बैठे, ईख को इक्ष्वाकु कहते हैं, इक्षु कहते हैं ना ईख को। ईख क्या है? ईख अकेली फसल है जिसका सब कुछ काम में आता है। ईख प्रतीक है इक्ष्वाकु वंश का, जिसका ना रस समाप्त होता है ना यश समाप्त होता है। ये राम के बारे में, वो उस खानदान में पैदा हुआ। उनके बारे में कहा गया कि वो अवतार हैं। अवतार क्या है? अवतार मनुष्य की बनाई इस पृथ्वी में, जो थोड़ी बहुत हमने चीजें बनाई हैं, इसमें ईश्वर के भरोसे का नाम अवतार है। इसीलिए आप जंगल में जाइए, भारत के जंगलों में जाइए, उनसे पूछिए राजा कौन है, किसकी सरकार है, राम की सरकार है। छत्तीसगढ़ में राजा राम सरकार है, ओरछा में राम सरकार है, क्योंकि राम का राज्याभिषेक नहीं हुआ, लेकिन राज्याभिषेक सिंहासन पर बैठने से कोई सिंह नहीं बनता। संस्कृत में सुभाषित है, नाभिषेको न संस्कारो सिंहस्य क्रियते वने। जंगल में शेर का कौन संस्कार करता है? उसका तो बल है, उसकी जो शक्ति है वो तो ताकतवर है। नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते वना, विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। अपने विक्रम से, अपने पौरुष से अर्जित जो आपकी क्षमता है वो आपको मृगेंद्र बनाती है। इसलिए राम का पूरा करेक्टर, उनका पूरा चरित्र लाइट नहीं है, साइट है। एक छोटा सा निवेदन आपसे और कर दूं कि आप बिल्कुल जहां जवान लोग जो बैठे हैं, जो दूसरे धर्मों के लोग बैठे हैं, जो इस्लाम मानने वाले लोग बैठे हैं, जो खालसा पंथ पर आस्था रखने वाले लोग बैठे, कुछ ईसाई भी बैठे होंगे, आप बिल्कुल राम को ऐसे मत सुनिए कि एक हिंदू सुना रहा है, कुछ हिंदू सुन रहे, ऐसे मत सुनिएगा। क्योंकि मेरी योजना में यह भी है कि आज के बाद, कुछ दिन बाद, मैं कृष्ण पर भी अध्ययन करके बोलूंगा,
कुछ दिन बाद मैं अध्ययन करके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर मोहम्मद साहब पर भी बोलूंगा, इस्लाम पर भी बोलूंगा, कुछ दिन दशमेश पिताजी पर बोलूंगा। तो जितने भी लोग, उनमें हो सकता है कोई ना मानता हो राम को, मत मानिए, कहानी सुन लीजिए। अगर किसी ने कहानी भी लिखी है तो भी ऐसी कहानी लिखी है कि इस कहानी को ही ठीक से जी लेंगे तो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनने की संभावना आपके अंदर पैदा हो जाएगी। आपका व्यापार, आपका व्यापार, आपकी शिक्षा, सब कुछ सफल हो जाएगी। इस संसार को अंधकार से, उत्पीड़न से निजात दिलाने के लिए ये लोग आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, चाहे भगवान जिस भी प्रकार से आते हैं। अच्छा, ये तो मानोगे कि ऐसा होता है, जब लोकतंत्र में 5 साल की सरकारों में आप ऐसा करते हैं कि जो ज्यादा सिर पे तांडव कर ले उसे एक दिन बटन दबा के आप हटा देते हैं और कहते हैं कि नया लेके आओ, ये बात अलग है कि दूसरा उससे ज्यादा गति से तांडव करता है तो फिर आपको लगता है अभी से कैसे कैसे करके लाओ। फिर कई बार आप वैकल्पिक व्यवस्थाएं करते हैं, वो दोनों से ज्यादा मिलकर ज्यादा करता है, हम अनुभव में है, हमें पता है उसका। तो राम की विजय उनकी निजता का उत्सव नहीं है, राम की जीत अपनी जीत नहीं थी, इसलिए आज राम चले गए वो नहीं है, लेकिन उत्सव जारी है। आप मुझे बताइए, जो क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, जिस समय आप उस वर्ल्ड कप की झांकी देखते हो जिसमें कपिल देव कप को उठा रहे हैं, तो कैसा अच्छा अच्छा सा लगता है। जिस समय आप वो वाला दृश्य देखते हो जब बहुत नाराज सौरभ गांगुली अपनी शर्ट लहराते हुए घूम रहे हैं, तो कैसा कैसा अच्छा लगता है। तो जब हमारे सामने अभी जो पैदा लोग हैं उनकी छोटी सी विजय हमें इतना उत्प्रेरित, इतना दीपित, इतना उत्साहित, इतना सम्मोहित कर सकती है, तो हजारों साल पहले जिसने अंधकार के खिलाफ सबसे बड़ी जीत पैदा की, अगर उसे ध्यान से जानेंगे तो कितना उत्साहित हो जाएंगे, कितने उत्प्रेरित हो जाएंगे, कितनी गति बढ़ेगी। कोई एडिसन ऐसा नहीं है जो एक बल्ब से दूसरे बल्ब को स्पर्श करा दे तो उजाला हो जाए, ये केवल मनुष्य को यह हक हासिल है कि वो ईश्वर बन के आए। इसलिए अयोध्या जाते समय और अयोध्या से लौटते समय राम ने जो सबसे महान काम किया वो एकात्मकता का काम किया। अयोध्या से लौटते समय उन्होंने हर वो काम किया जो इस देश को एक साथ जोड़ सकता है, जो इस देश को एक साथ बांध सकता है। महात्मा गांधी के पूरे संघर्ष पर राम की छाप है। उन्हें पता था कि साउथ अफ्रीका में वो जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं, सूट बूट पहन के उनके खिलाफ नहीं लड़ सकते, इसलिए सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि कपड़े वो उतारे और उन्होंने राम की तरह सामान्य कपड़े पहने। फिर भी उन्हें लगा कि अभी वो वेशभूषा नहीं आई जिससे राम लड़ते हैं। एक धोती ऊपर पहनी, एक नीचे पहनी और 3 साल भारत घूमा। बिहार के दूर के हिस्से में पहुंचने पर उसने देखा कि एक महिला के पास एक ही कपड़ा था, वो नहा रही थी ताकि ट्रेन चली जाए तब पानी से निकले, तो बापू पानी पीने उतरे थे, उन्होंने अपने ऊपर वाला कपड़ा भी ये कह के कस्तूरबा से कहा कि अगर इस देश में ऐसे लोग हैं जिनके पास एक भी कपड़ा नहीं है तो 2 कपड़े पहनना अपराध है। और मैं आश्चर्य में था कि मैंने 1942 में चर्चिल का भाषण पढ़ा, मैंने जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में उसने गांधी के खिलाफ दिया, चर्चिल बोला कि वो अधरंग का फकीर, वो ये चाहता है कि वायसराय का हाथी उसे सलामी दे। और जब मैं मानस पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि जब अंगद समझाने गया रावण को कि मूर्ख मान जा, इस स्वराज की ताकत को समझ ले, तो रावण भी यही कह रहा था, अच्छा वो अधरंगा फकीर, वो तपस्वी, वो मुझे हराएगा। यानी कि हर बार रावण इसी प्रकार बोलता है। और एक बात ध्यान रखिए, जो अपने से बाहर नहीं आएगा, घर से बाहर नहीं आएगा, परिवार से बाहर नहीं आएगा, समाज से बाहर नहीं आएगा, वो बड़ा नहीं कर सकता। जो हिजरत करेगा, जो निकलेगा, वो बड़ा करेगा। हुजूर को भी जाना पड़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद साहब भी हिजरत करने के लिए गए। बुद्ध ने पहली बार अपने बेटे बेटियों को अनुमति दी कि तुम बाहर जाओ। सबसे पहले अशोक के दोनों बेटे संघमित्रा और महेंद्र बाहर गए। आज दुनिया में आप इंडोनेशिया जाइए, आप दुनिया में थाईलैंड जाइए, तो आपको वहां बौद्ध धर्म दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने अनुमति दी। काश कि हमारे ऋषि मुनियों ने भी अनुमति दी होती कि हम राम की बात कहने जाएं, तो आज पूरे देश में कुछ नहीं तो 100-150 देशों में भी तो हमारा भी कब्जा होता, हमारे विचार की भी बात होती, हमारी भी बात सुनी जाती। जो घर छोड़कर जाता है उसे मिलता है, और यह सबके साथ हुआ है। हम में से कुछ का ट्रांसफर हो जाता है, मैं देख रहा हूं यहां अधिकारी बैठे हैं प्रशासन के जो नौकरी करते हैं, ट्रांसफर पे दुखी हो जाते हैं, जालौर मिल गई जी पोस्टिंग, मुख्यमंत्री से कह दो जरा आप, ये 2 मंत्री बैठे हैं हमारे दोस्त हैं दोनों, इनके यहाँ कह दो साहब, हॉल में बैठे हुए लोगों, दशरथ का पुत्र राम अगर अयोध्या रहता तो केवल राम बन के रह जाता, जंगल जंगल जाकर लौटा तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे। एक शेर मुझे उर्दू का याद आया, आप सबके भगवानों के नाम है मेरे और आपके सबके,
पयंबरों से जमीनें वफा नहीं करती, पयंबरों से जमीनें वफा नहीं करती, हम ऐसे कौन खुदा थे जो अपने घर रहते। अयोध्या छोड़ी, राम ने तो अपनी आनुवंशिक पोजिशनिंग छोड़ी। मैं अध्यात्म रामायण पढ़ रहा था तो उसमें बड़ा अच्छा उल्लेख था कि राम जंगल जाए या ना जाए, विश्वामित्र इस पे चर्चा कर रहे हैं वशिष्ठ से, तो राम वहां आ गए तो पिता ने कहा कि तुम यहां मत बैठो, तुम्हारा ये निर्णय नहीं है, राजा का निर्णय मैं और गुरुजी कर लेंगे। राम ने कहा आपका निर्णय है लेकिन चूंकि मेरे बारे में निर्णय है इसलिए मेरा बैठना जरूरी है, मैं जाऊंगा। उनसे कहा अच्छा जाना ही है तो सेना साथ ले जाओ। तो उन्होंने कहा कि जंगल के लोगों की रक्षा अगर सेना से ही होनी थी और सेना ही ठीक थी तो मेरे जाने से क्या था। पिता ने कहा अंगरक्षक साथ ले जाओ। तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे अपने अंगों की रक्षा करने की चिंता करनी पड़ी तो जिन्हें दूसरों को बचाने जा रहा हूं, दूसरों को रक्षा करने जाऊं, उन्हें क्या करके आऊंगा, उनसे क्या कह के आऊंगा। रास्ते में विश्वामित्र उनसे बात करते जाते हैं, विश्वामित्र कहते हैं लड़ोगे कैसे, तो उन्होंने कहा कौन लोग हैं कैसे लोग हैं, तो विश्वामित्र ने कहा कि वो तो जंगली लोग हैं, तो बोले उनसे उनके साथ ही लड़ेंगे। बोले उन्हें कुछ नहीं आता है, तो विश्वामित्र ने कहा उन्हें कुछ तो आता होगा, क्या काम करते हैं, तो विश्वामित्र ने कहा उनमें से कुछ लोग तो लकड़ी का काम करते हैं, बांस का काम करते हैं। राम ने कहा हो गया काम, उनसे बांस के तीर बनवाएंगे, उनसे धनुष बनवाएंगे, हमारी आर्टिलरी तैयार हो रही है। और क्या करते हैं, बोले लोहार हैं, लोहे का काम करते हैं, भील हैं, बहुत अच्छे, उनसे भाला बनवाएंगे, तलवार बनवाएंगे, ढाल बनवाएंगे, आधा काम तैयार हो रहा है। बोले और क्या है, बोले वो पशु पक्षी बांधने का काम करते हैं, बोले उनसे घोड़ों की ट्रेनिंग कराएंगे। तो बोले वो तो अपने काम करेंगे, तुम्हारी सेना में क्यों रहेंगे। उनका सेना में नहीं ले जा रहा, उनको सेल्फ डिफेंस सिखा रहा हूं, आत्मरक्षा सिखा रहा हूं। इस पूरे देश को आताताई सोच के खिलाफ खड़ा करने वाले पहले कमांडर का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जिसने तैयार किया है। मित्र के साथ हो, भाई के साथ हो, अपनी पत्नी के साथ हो, पुत्र के साथ हो, आइडियल लाइफ स्ट्रक्चर कैसा खड़ा होना चाहिए वो राम का है। सबसे पहले अपने पिता के साथ, अपने भाइयों के साथ जो उनका व्यवहार है। आप में से कितने लोग जानते हैं, कितनों ने मानस वहां से पढ़ी है कि जब उनका राज्याभिषेक होना था तो उनकी एक ही शिकायत थी केकई से। केकई ने कहा कि बेटा तुम्हारा राज्याभिषेक होना है, तुम राजा बनोगे, तो उन्होंने एक ही शिकायत करी अपनी माँ से कि ये कौन सी खराब बात है, हम चार भाई एक साथ पैदा हुए, हम एक साथ पले बढ़े और केवल बड़े का राज सिंहासन मिलेगा, केवल उसका राज्याभिषेक है तो गलत बात है, हम चारों को राज्य मिलना चाहिए, उनकी अकेली शर्त थी जीवन में। यानी कि समाजवाद का पहला स्टेटमेंट सोशलिज्म का। दूसरा मित्र के नाते, वो कहते हैं कि जे न मित्र दुख हो ये दुखारी, तिनहिं बिलोकत पातक भारी। अगर मेरे रहते मित्र दुखी है, चाहे वो सुग्रीव हो, चाहे विभीषण हो, चाहे केवट हो, उसके साथ देते समय जो उनकी विनम्रता है, जो संपत्ति शिव रावणी दीन दिए दस माथ। आपको पता है कि रावण को दस सिर चढ़ाने पर, मैं ये नहीं मानता कि रावण के दस सिर थे, हो सकता कुछ लोग मानते हो। मुझे भी लोग कहते हैं कि साहब एक टाइम में तीन बुद्धि कैसे चलती है, चुटकुला भी याद आ जाता है, संस्मरण भी याद आ जाता है, कविता भी याद आ जाती है, यानी कि तीन तो अपने भी हो गए। तो वो ब्रह्मा के वंश में पैदा हुआ, बुलस्त मुनि के पुत्र विश्वा का बेटा था, उसकी इंटेलिजेंसिया का जो कोशेंट था वो 10 मस्तिष्क के बराबर था, वो इतना स्मार्ट और इतना ज्यादा इंटेलिजेंट था कि उसके पास 10 दिमागों के बराबर दिमाग था। तो कहानी चल गई कि भाई 10 सिर हैं उसके। ये सिर्फ मुहावरे हैं जिनको कालांतर में हमारी धार्मिक परंपरा ने सत्य सिद्ध कर दिया। हमारे पूरे धर्म की व्याख्या अधिकांशतः जिन लोगों ने की है वो श्रद्धा पर आयोजित है, भगवान ने ऐसा किया। मुझे राम क्यों प्रिय लगते हैं, राम के जीवन में चमत्कार नहीं है। आपने कभी नहीं देखा होगा राम को कि राम ने यूं करके आकाश में हाथ हिलाया और उसके बाद एक शस्त्र निकाला और फेंक दिया, ऐसा नहीं। सब कुछ अर्जित है जो अपना है। सबसे पहले जब जंगल में मिलने के लिए सारे लोग गए वनवास के समय, तो सबसे पहले प्रथम राम भेटी केकई, सरल स्वभाव भगत मति गई। तीनों माँ आकर खड़ी हुई, कौशल्या आकर खड़ी हुई, केकई आकर खड़ी हुई, सुमित्रा आकर खड़ी हुई। राम उठे, राम को पता चला माँ आई हैं, गुरुजी आए हैं। सोच के देखिए आप, राम के ऐसे हैं कि ये सीनियोरिटी नहीं जानेंगे, हायरार्की नहीं जानते वो, कि पहले अपनी माँ के पैर छूं, फिर सुमित्रा के छूं, फिर केकई के छूं, सबसे छोटी हैं वो तो। लेकिन उनको पता है कि इनके मन में दुख है, इनके मन में गिल्ट है, इसलिए अगर मैं सबसे पहले पैर छू लूंगा तो ये मानद हो जाएंगी, इनको मान्यता मिल जाएगी। आज मैत्री शरण गुप्त का जन्मदिन है, उन्होंने इस प्रसंग को कहा है कि तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे। रात को सब बैठ गए, चांदनी रात है, सब बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, अब राम को मनाने के लिए लोग आए। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु बह बह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, वह चंद्रलोक था कहां चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर गूर निधि जैसी।
अब भगवान बोले, सामने भरत बैठा है, उससे बोले, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। भाई भरत अब बताओ क्या चाहते हो। अब सोचिए जिससे, जिसके ऊपर इतना आरोप लग रहा है उससे कह रहे क्या चाहते हो। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। भरत ने क्या कहा, हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी मुझे कुछ चाहिए। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा। तुम जंगल में बैठे हो, भाभी के पैर में काटे हैं, तुमको खाने को नहीं मिल रहा, मैं महल में बैठा हूं, इसी दिन के लिए तो आया हूं। इसीलिए राम की कथा त्याग की सबसे बड़ी कथा है। राम के नाम पर दुकान चलाने वाले लोगों को समझना चाहिए कि दुनिया में ऐसा उदाहरण कभी नहीं हुआ जहां एक सिंहासन दो भाइयों के बीच 14 साल फुटबॉल की तरह चलता रहा। परशुराम ब्राह्मण है, उनसे पहले आए, लेकिन कर्म क्षत्रियों जैसे हैं, जरा जरा सी बात पे गुस्सा हो जाते हैं। राम क्षत्रिय हैं लेकिन मस्तिष्क तपस्वियों जैसा है। जब एग्जाम का रिजल्ट आता है, जब नंबर आने शुरू होते हैं बच्चों के, बच्ची का रिजल्ट आना शुरू होता है तो क्या करते हैं, बच्चे का रिजल्ट आना शुरू में समझाना सुबह कहते हैं, बहुत अच्छा बेटा तुमने, यू डिड वेल, तुमने बहुत अच्छा किया, जो भी रिजल्ट आएगा इट्स ओके, डिप्रेशन में ना आ जाए हैं बच्चे को। और दुनिया का सबसे बड़ा राज सिंहासन, आज थोड़ी सी लड़ाई किस बात की है, मैंने पिछली बार खबर देखी एक का टिकट कट गया तो आत्महत्या की कोशिश करी उसने, बताओ 5 साल को एक टुच्चा सा काम मिलेगा, वो छोटा सा है। मैंने 2-3 बार बांटा है तो मुझे पता है कि ले जा ले जा, वो टुच्चा सा काम मिलेगा। और इतनी चिंता कि वो आत्महत्या करने को तैयार हो गया। सोचिए पूरी पृथ्वी का राजा बनना था उसको, छोटा मोटा मामला नहीं था, पूरी पृथ्वी का राजा बनना था उसको, एक पूरे पूरे भारत का नहीं, पूरी पृथ्वी का। प्रथु उनके घर में ही पैदा हुए, जो देश में बड़ा है वो उनके घर में पैदा हुआ। अज, रघु, दिलीप, पुरवा, नहुष, इक्ष्वाक, भरत, जितने बड़े पैदा हुए सब उन्हीं के खानदान में, मानदाता, सब उनके घर में पैदा हुए। लेकिन उस पृथ्वी का शासन उन्हें पाना था, वो इलेक्टेड क्राउन प्रिंस थे। और अचानक एक बंदी ने आके कहा कि युवराज आपको महाराज याद कर रहे हैं। उत्साह में भरे हुए राम लक्ष्मण दोनों पहुंचे तो देखा कमरे में अंधेरा है, पिता बैठे। उन्होंने पूछा, जी पिताजी क्या बात है। पिता ने कहा कि बेटा वो कल राज्याभिषेक नहीं हो पाएगा, तुम सुबह अपनी पत्नी को लेकर 14 वर्ष के वनवास के लिए चले जाओ। राम ने कहा कि जो आज्ञा पिताजी। और राम ने अपनी पत्नी से कहा तैयारी करिए, सुबह वनवास पे चलना, 14 वर्ष बाद आएंगे अयोध्या। कहना आसान है, बहुत सरल है, इंटरव्यू हुआ हुआ नहीं, प्रीलिम्स पास किए, मेंस नहीं निकला है, ग्रुप डिस्कशन में रह गए, हमको भी लोग कहते थे कि तुम रह गए। कहना आसान है लेकिन मानस पड़ी है, राम जी आए तो बहुत सरल है। राम को बुलाया उनकी माँ ने, कौशल्या ने, माँ को लगा होगा कि बेटे को धक्का तो नहीं लग गया, भगवान की माँ है लेकिन माँ तो माँ है, भगवान से कौन बड़ा है, भगवान से माँ बड़ी है, जिसने भगवान पैदा किया है वो बड़ी है। इसलिए तुलसीदास जी शुरू में प्रणाम करते हुए कहते हैं, बंदों कौशल्या दिशि प्राची, प्राची दिशा के समान जो कौशल्या उन्हें प्रणाम करता हूं जिनकी कोख से सूर्यवंशी राम पैदा हुआ है। मां ने पूछा कि बेटा क्या हो गया, मां को सब पता है। तो राम ने ये नहीं कहा कि मुझे जंगल भेज दिया, भरत को राजा बना दिया, मां मेरा सिंहासन छीन लिया, मेरा क्राउन छीन लिया। कितनी पॉजिटिविटी है जो सीखनी है लाइफ में आज के बाद से, इस हॉल से जाते हुए, कल भी बात करेंगे इस पे। कौशल्या ने पूछा बेटा क्या हुआ, तो राम ने कहा मां पिता देहि मोहि कानन राजू, मुझे जंगल का राज्य दे दिया पिता ने, मैं जंगल का राजा बना। कितनी सुंदर बात है। क्या कहा उन्होंने कि पिता देहि मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू, जहां मेरे सारे बड़े काम प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो भी दुनिया में बड़ा करूंगा। और सोच के देखिए राम जंगल नहीं जाते तो क्या होते, राम वन गए तो बन गए, राम विनम्र रहते हैं, शालीन रहते हैं, मुस्कुराते हैं वो, तो इसी आत्मविश्वास में उनकी जीत है। डिप्रेशन से बाहर लाए अंगद को, और जब अंगद गया बात करने के लिए तो आप देखिए कम्युनिकेशन स्किल सिखाया जाता है ना आजकल, आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बीटेक कर लो, एमटेक कर लो, लड़का जो है, लड़की जो है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, अपनी बात नहीं कह पा रहा, माँ से नहीं कह पा रहा, पिता से नहीं कह पा रहा, गर्लफ्रेंड से नहीं कह पा रहा, बीवी से नहीं कह पा रहा, नौकरी में नहीं कह पा रहा। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आप देख रहे हैं जिनमें ना कह पाने के कारण वो आत्महत्या कर रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है। अंगद को उन्होंने कम्युनिकेटर बना के भेजा। राम कितने पॉजिटिव हैं,
उनसे विभीषण कहते हैं जिस दिन अगले दिन युद्ध शुरू होना है उस दिन कहते हैं कि सर थोड़ा बैठ के स्ट्रेटेजी बना लें कौन किधर से बढ़ेगा, इतना बड़ा आदमी इससे लड़ना है। तो कहते हैं कि नहीं यार वो अंगद भेजा है मैंने, दूत ना, पाली का बेटा, और मुझे उम्मीद है कि रावण मान जाएगा, सीता को वापस दे देगा, अपन क्यों लड़ाई लड़े। ये राम है। एक बात ध्यान से देखना, अभी बहुत बड़ी घटना इस समय पूरे देश में राजनीतिक हलचल चल रही है जिससे हम जुड़े हुए हैं। राम ने अपने पूरे जीवन में किसी भी राक्षस को मारते समय उससे निगोशिएट नहीं किया, छोटों से, खर से, दूषण से, ताड़का से, सुबाहु से सीधा मारा। उन्होंने एक ही आदमी से निगोशिएट किया, रावण से, क्योंकि राम जानते थे कि आतंकवाद की लड़ाई में स्लीपर सेल के साथ समझौता नहीं किया जाता, उसको तो मारा ही जाता, उसको तो खत्म ही किया जाता। और हमारी सरकारें, हमारी व्यवस्थाएं क्या कर रही है, स्लीपर सेल से बात कर रही है। तो अगर राम राज्य वालों को समझना है तो राम से ही समझे कि राम ने अपने देश में रहने वाली किसी स्लीपर सेल के साथ बात नहीं की। लंका दूसरा देश था, उससे बातचीत जरूरी थी, उससे पहले कहना जरूरी था, इसलिए उससे पहले बातचीत की, जो कि हम पाकिस्तान के मामले में लगातार करते हैं, इतने समय से बातचीत करते हैं, और उसके बाद फिर अपना काम भी दिखाते हैं। तो अंगद गया, उसका आत्मविश्वास, लीडरशिप डेवलपमेंट मैं बता रहा हूं राम का। उसने पहली जो वाक्य बोली उस पर हंसेंगे भी आप। रावण ने पूछा कि मेरा और राम की क्या लड़ाई, तू जानता मैं कौन हूं, क्या तेरा वो फकीर तपस्वी वो मुझसे लड़ेगा, मेरा उसका क्या। तो अंगद ने कहा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, आपका उनका कोई मुकाबला नहीं। रावण को लगा यार आदमी उसने भेजा है हमारे पक्ष में बोल रहा है, तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा बिल्कुल ठीक, मेरा उसका क्या मुकाबला। तो अंगद का कम्युनिकेशन स्टाइल देखिए जो राम ने डेवलप कराया है। तो क्या कहा कि सिंधु तरयो उनको बनरा, उनका तो बंदर, बंदर भी नहीं, बंदर में थोड़ा ग्रेस आ जाएगा, मतलब हनुमान चाचा हैं उनके अंगद के, फिर भी उनको बंदर भी नहीं कह रहे, चाचा जी भी नहीं कह रहे, क्योंकि डिप्रेशन में रावण को लाना है। तो कहते क्या, सिंधु तरयो उनको बनरा, तुझ पे धनुरे गई न तरी, उनका तो बंदर पूरा समुद्र पार कर आया, और तुझ पे उनके छोटे भाई ने एक रेखा खींच दी थी वो नहीं तरी गई, तेरा उनका क्या मुकाबला भाई दोनों का आपस में। कि सिंधु तरयो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी, तुम पे, अच्छा चंद है, सिंधु तरयो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी, तुम पे धनुरेख गई न तरी, वानर बांधत सो न बंधो, उन बारिदी बांध के बाट करी, उन बारिदी बांध के बाट करी, उन बारिदी बांध के बाट करी। अज हूँ रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें दशकंठ न जाए परी, तुम्हें दशकंठ न जाए परी, तेलन तूलन पूछ जरी न जरी, गढ़ लंक जलाए जरी, धड़ी लंक जलाए जरी, तेरा सारा तेल लगा, तेरा सारा कपड़ा लगा, एक बंदर की पूछ जलाने के चक्कर में तूने अपना पूरा नगर जलवा लिया, बताया। और तू कह रहा है कि उनसे लड़ने चलेगा, उससे लड़ने चलेगा। इसलिए जो कम्युनिकेशन स्किल है, विभीषण से संवाद जो राम ने किया वो साधन और साधना के बीच का संवाद है, बड़ी अद्भुत बात है। राम की शक्ति पूजा आप में से शायद अधिकांश लोगों को पता होगा कि राम और रावण के युद्ध में एक दिन ऐसा आया था जिस दिन राम की सेना पराजित हो गई थी, तोड़फोड़ मचा दी थी रावण ने, जिस दिन रावण खुद आया था। महाप्राण निराला ने कविता लिखी है राम की शक्ति पूजा, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर, आज का तीक्ष्ण विदिक्ष प्रकर वेग प्रखर, शतशैल शंवरण शील नील नवगर्जित स्वर, विचरित वन्य राजीव नयन हत लक्ष्मण, लोहित लोचन रावण मदमोचन महायान, ऐसी कविता लिखी। उस दिन सब बेहोश हो गए, सुग्रीव बेहोश हो गया, सौमित्र बेहोश हो गए, लक्ष्मण सब बेहोश हो गए। राम लौटे तो राम बहुत दुखी थे। जामवंत ने समझाया, जामवंत सबसे सीनियर हैं सेना में, मतलब सबसे फाइनल पोजीशन पे, ब्रिगेडियर जनरल से भी ऊपर हैं। उन्होंने राम से कहा कि इतना क्यों दुखी होते हैं, वही आपका हाथ है, वही आपका तूणीर है, मार लेंगे इसे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी किसी दिन होता है, सामने वाले का दिन होता है, किसी किसी दिन नहीं होता। राम ने कहा ऐसा नहीं है, जब मैं युद्ध लड़ रहा था तो मैंने एक बात देखी, रावण नहीं लड़ रहा था, रावण के साथ शक्ति लड़ रही थी, दुर्गा लड़ रही थी, देवी लड़ रही थी, और ये अजीब बात है कि मैं धर्म के साथ हूं, मेरे साथ नहीं लड़ रही, उसके साथ लड़ रही हैं। तो जामवंत ने कहा अगर ऐसा है तो युद्ध हम संभालेंगे, आप पूजा करिए। तो 108 कमल मंगाए गए। यह दशहरा क्यों मनाया जाता है ये आज शायद कुछ लोगों को पता चलेगा, हम तो कहते हैं कि रावण हरा दिया ऐसा हुआ नहीं, ये जो शक्ति की पूजा, नवरात्रि की पूजा क्यों है, 9 दिन राम ने ध्यान धारण किया और 108 कमल वो चढ़ाते थे, एक एक कमल शक्ति के चरणों में चढ़ाते थे, त्रिकुटी में साधते थे,
इमेज बनाते थे, जैसे सूफी लॉ लगाते हैं, जैसे साधु लॉ लगाते हैं, वो ध्यान में चढ़ते चले गए। आखिरी दिन जिस दिन आया, जिस दिन उनको वर मिलना था शक्ति का, 107 कमल जब उन्होंने चढ़ा दिए, तो देवी ने सोचा कि इसका एग्जाम लेती हूं कि कितना भक्त है। वो आखिरी नील कमल उठा के ले गई। राम ने यूं करके थाली में हाथ फेराया तो देखा कि कमल ही नहीं है। तो वो ध्यान से नीचे उतरे और देखा कि कमल नहीं है। उन्हें लगा अब साधना भंग हो जाएगी। निराला लिखते हैं कि राम की आंखें भीग गई। राम ने कहा, दिख जीवन जो सहता ही आया है विरोध, दिख साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जान की हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। ये तीन लाइन है, लेकिन चौथी लाइन राम की, इसी के कारण वो राम है, दुखी है कि अब क्या करूंगा, सब हार जाऊंगा। दिख साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, दिख जीवन जो सहता ही आया है विरोध, जान की हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, पर एक और मन रहा राम का जो न थका। उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी चलेगा, ऐसे पूजा थोड़ी उठा दूंगा। तो राम ने क्या किया, राम ने कहा कि माँ कहती थी मुझको राजीव नयन, मुझको कहती थी कमल के जैसे आंख वाला है मेरा बेटा, तो अभी दो कमल के फूल मेरे पास हैं। तो राम ने अपना एक तीर निकाला अपने तरकश में से और उसको हाथ से पकड़ के उसकी फलक आंख की तरफ ले गए कि अपनी एक आंख चढ़ा देता हूं, युद्ध में विजय होनी चाहिए, सत्य जीतना चाहिए। और जब बिल्कुल आंख के पास पहुंच गया तीर और देवी को लगा कि अभी आंख निकाल लेगा, तब स्वयं दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने हाथ पकड़कर कहा, होगी जय होगी हे पुरुषोत्तम नवीन, के महाशक्ति राम के बदन में होगी। तो इसलिए जितनी भी लड़ाइयां हैं, जब भी कभी आपको कोई आदमी साधन से इकट्ठा एक सामान्य व्यक्ति को परेशान करने की कोशिश करे, उसके पास ज्यादा शक्ति हो, उसके पास ज्यादा साहस हो, तो आप ध्यान रखना कि आपके घर का एक बड़ा आदमी सिखा गया है कि साधन महत्वपूर्ण नहीं है, साधना महत्वपूर्ण है। और राम के सबसे प्रिय मित्र जिनको लंका का राज्य दिया, वे विभीषण भी अधीर हो गए। उन्हें लगा यार कि लड़ाई तो ठीक है, अब जीतोगे कैसे, हमको भी, हमने भी दो चार छोटी मोटी लड़ाई कभी सम्मेलनों में और राजनीति में की, आंदोलन में की, तो हमको भी समझाने आते थे, इनसे कैसे लड़ोगे, ये तो पुराने वाले हैं। तो मुझे मानस की पंक्ति याद आती थी और मैं खुद को ही सुनाता था, जो कि जो साथ थे वो तो सुनने को तैयार नहीं थे। ये विभीषण ने राम से कहा जब रावण लड़ने के लिए आया, क्या कि रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। रावण रथी विरथ रघुवीरा, रावण तो रथ पर बैठकर आया है और वो पैदल चल रहे हैं, वो पदाती हैं। अधिक प्रीत भा मन संदेहा, ज्यादा प्रीति इसलिए मन में संदेह हुआ विभीषण के। विभीषण ने कहा कि ये तो रथ पर है और आप बिना चप्पल के, आपके पास तो चप्पल भी नहीं है, कैसे मारोगे। नाथ न रथ नहीं पद त्राना, के ही विधि जितब वीर बलवाना, इतना बड़ा वीर है इससे कैसे जीतोगे। तो राम ने उसे जो सिखाया वो मुझे याद है, मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने घर लेके जाइएगा। राम ने कहा कि मैं जिस लड़ाई में उतरा हूं दोस्त, उस लड़ाई में मिसाइल्स की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इस लड़ाई के लिए साधना की आवश्यकता है, साधन की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा क्या क्या है, इसके पास तो बड़ा रथ है नाथ, आपके नीचे तो पदत्राण भी नहीं है, कही विधि जितब वीर बलवाना, इस बलवान से कैसे जीतेंगे। तो उन्होंने कहा कि सुनो सखा कह कृपा निधाना, ज्यो जय होई सियंदन आना। मैं तुझे बताता हूं भाई मेरे दोस्त, इस युद्ध में जीतने के लिए जो रथ चाहिए वो मेरे पास है। अब विभीषण को रथ दिख नहीं रहा, राम कह रहे रथ है, इसी में आपके जीवन के संघर्ष की गति है। उन्होंने कहा मेरे पास रथ है, कौन सा रथ है, मेरे पास जो रथ है उसमें दो चक्के लगे हुए हैं तुझे दिखेंगे, कौन से, सौरज धीरज ते ही रथ चाका, शौर्य और धैर्य दो चक्के हैं, एक तरफ शौर्य है एक तरफ धैर्य है। अगर बड़ी लड़ाई लड़नी है तो शौर्य भी रखना पड़ेगा और धैर्य भी रखना पड़ेगा। दुनिया की आधी मूर्खताएं अधैर्यता के कारण होंगी। तो कहते हैं धैर्य और शौर्य दो मेरे रथ के चक्के हैं, और बल विवेक दृढ़ ध्वजा पताका, बल और विवेक से दृढ़ हुई मेरी धर्म की ध्वजा है मेरे मेरे इस रथ के ऊपर। सत्यशील दम परहित घोड़े, सत्य और शील और परहित दूसरे का हित करना, सत्य बोलना, शीलवान रहना, ये घोड़े हैं मेरे। और क्षमा दया कृपा रज जोड़े, इसे किससे जोड़ रखा है, क्षमा से, दया से और कृपा से, इन तीन से जोड़ रखा है। पूरी राम की कहानी एक सिमिली है। कहते हैं कि
इस रथ पर चढ़कर मैं लड़ रहा हूं, और जब तक मैं इस रथ पर चढ़कर लड़ रहा हूं तब तक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी। तो आपके पास अगर साधन कम हो तो आप समझ लेना कि आपके पास ये वाले साधन अगर हैं तो आप दुनिया के किसी भी आदमी से जीत सकते हैं। एक अयोध्या है जो सात्विकता का प्रकर्ष है, एक लंका है जो तामसिकता का प्रतीक है, इन दोनों के बीच लड़ाई है। लेकिन राम इन दोनों के बीच की लड़ाई के लिए राजाओं को साथ नहीं लेते। आपने कभी सोचा कलेजे पे हाथ रख के कि राम जब भारत में घूमे होंगे तो दंडकारण्य में जहां वो रुके, जहां उन्होंने कुटिया बनाई, उसके ठीक बगल में उनके मामा थे, ननिहाल थी उनकी, कौशल प्रदेश। मामा से कह सकते थे थोड़ी सेना दे दो मुझे लड़ने जाना है। नहीं, राम ने पूरे रास्ते किसी राजा से बात नहीं की। राम ने पूरे रास्ते वंचितों से, दलितों से, पिछड़ों लोगों से, वनवासियों से, एससी एसटी से बात की, आखिरी सफ में खड़े राम से। और साथ में किसे लिया? हराने के लिए, लंका को परास्त करने के लिए किसे साथ में लिया? किष्किंधा को। किष्किंधा क्या है? प्रकृति का सबसे बड़ा आयुर्वेद, योग, नेचुरल एसेंस, हमारी नेचुरल आर्ट्स, हमारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, इनको किसने लिया? दिल्ली ने। और हराई क्या? मार्केट, लंका। इसलिए दिल्ली को, जयपुर को यह याद रखना पड़ेगा कि अगर अपने शत्रुओं से आपको पार पानी है, अगर चाइना का सामान बंद कराना है, अगर अमेरिका को घुटनों पर लाना है, तो सबसे पहले अपने वनवासियों, अपने वंचितों, अपने पिछड़ों, अपने दलितों और अपने जंगल के लोगों के पास जाना पड़ेगा। हनुमान प्रतीक है। हनुमान किस बात का प्रतीक है? वो शांति की खोज में गए, शांति का अपहरण हो गया। शांति कौन है? सीता। सीता साक्षात शांति है इस कहानी में। और शांति किसको मिलती है? शांति मिलती है उस आदमी को जो अपनी देह के लोभ से बाहर आ जाता है, जो विदेह हो जाता है। सीता के पिता का नाम क्या है? विदेह। विदेह राज की बेटी है, राजा है वो लेकिन विदेह है। मैथिली शरण गुप्त का जन्मदिन है, मुझे ज्यादा याद आ रहे हैं गुप्त जी। गुप्त जी ने लिखा, योगी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेही, अनासक्त गेही, घर में रहते हुए घर से आसक्त नहीं है। किसको मिली? वो विदेह को, देह में रहते हुए देह से बाहर। और सत्ता में बैठे हुए लोगों और सरकारी अधिकारियों, आरएएस अधिकारियों, आईपीएस आईएएस अधिकारियों, जो यहां बैठे हो वो सुनो, और जो बनना चाहते हो वो सुनो। शांति राज्यसभा में बैठकर नहीं मिली, जब राजा जनक लोकसभा में बैठे हुए थे तब नहीं मिली, जब सिंहासन पर बैठे थे तब नहीं मिली, युद्ध कर रहे थे तब नहीं मिली। कब मिली? जब किसान की तरह पसीना बो रहे थे खेत में, तब सीता माता उन्हें प्राप्त हुई। राम सूर्यवंशी हैं, जो आकाश का द्योतक है, और सीता पृथ्वी से निकली हैं। इसका मतलब क्या है? ये प्रकृति के दोनों चीजों की युति है। लक्ष्मण भाई का प्रतीक है, बचपन से जानते हैं, बार आई थे निज हित प्रति जानी, लक्ष्मण राम चरित रति मानी। भरत के आने पर लक्ष्मण क्रोध करते हैं, राम समझाते हैं उनको। आप में से इतने लोग हैं, मैं इस पर कल भी बोलूंगा, सोच के बताइए राम की कहानी में कि राम के अलावा केवल एक पात्र जिसका मंदिर बना। एक एक दो दो मंदिर कहीं बन गए हो तो बन गए हो, राम की कहानी में राम के अलावा किसी का मंदिर नहीं बना। जिस माँ ने उनको जन्म दिया उस कौशल्या का मंदिर नहीं है, जिस पिता ने जन्म दिया उस दशरथ का मंदिर नहीं है, लक्ष्मण का मंदिर नहीं है, किसी का मंदिर नहीं है, केवल एक मंदिर है हनुमान का। और वो भी ऐसा मंदिर है कि राम को मनाओ मत मनाओ, उन्हें मान लो, यही सब काम कर देंगे। तो हनुमान क्या है? हनुमान राम तक पहुंचने के, राम जैसा होने की सीढ़ी है। आज के बाद से एक और पात्र का आदर करना राम के साथ साथ, अगर राम का आदर करना है तो, अगर राम से सीखना है, किसी भी धर्म के लोग हों। हिंदुस्तान पर जितने आक्रमण हुए इसमें कभी हम जीते कभी वो जीते, और तर्कहीन श्रद्धा के कारण हारे हम, क्योंकि वो भी तलवार से लड़ते थे हम भी तलवार से लड़ते थे, कभी वो घोड़े लाए कभी हाथी लाए, कभी हमने घोड़े हाथी लगाए, युद्ध में बराबर के हथियार इस्तेमाल हो रहे थे। भारत के एक बेटे ने एक नया हथियार बनाया, और ऐसा हथियार बनाया कि फिर वही वो हारे, फिर केवल संस्कृति जीती, आज तक जिंदा है इतने आक्रमणों के बाद। और भारत का वो बेटा रहता था चित्रकूट के पास, आत्माराम दुबे का लड़का, जिसका नाम था तुलसी। उसने 77 वर्ष की आयु में एक कहानी लिखी राम की, और उसने बताया कि ये तो छोटे छोटे लंपट है जिनसे तुम लड़ रहे हो, ये तो जरा जरा से हैं। तुम्हारे गांव का एक लड़का तो पैदल गया था और सबसे बड़े को मार के आया था, क्यों अपना आत्मविश्वास क्षीण करते हो? तुलसी की मानस आई, और उसके बाद आम हिंदुस्तानी में यह विश्वास पैदा हो गया कि अब मैं भी लड़ सकता हूं, अब कोई भी लड़ सकता है, और इसी के बल पर हम लड़ाइयां जीते। शक्ति विनम्रता भी पैदा करती है और अहंकार भी पैदा करती है।
इसीलिए यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि भगवान का भोजन क्या है। युधिष्ठिर ने बताया कि भगवान अहंकार खाता है, रावण को अहंकार है, न सत्य मानता है न तथ्य मानता है। तथ्य क्या है? तथ्य है कि भी हार चुका है तू, राम और रावण में एक पंक्ति का अंतर है, रावण इच्छाओं के पाश में बंधा है और राम इच्छाओं से परे जा चुके हैं। रावण में पावर ऑफ पनिशमेंट है, राम के पास राइट ऑफ पनिशमेंट है। रावण का अपयश बहुत है जबकि वो खानदान में बड़े में पैदा हुआ है। हनुमान ने भी कहा, जब हनुमान से पूछा मुझे जानता है मैं कौन, अच्छा वो हर आदमी से पूछता मुझे जानता है मैं कौन, ये बड़ी इनफेरिटी है। अंगद से पूछता मुझे जानता है मैं कौन हूं, आपने देखे ना कई लोग सड़क पे पुलिस वाले से कहते हैं जानता है कौन हूं, मेरे फूफा विधायक हैं, पता है ना हमारे चाचा वो हैं। ये क्या है? इनफेरिटी है, ये छोटेपन से आता है। लेकिन राम का एक यश है, वो इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए। वाल्मीकि रामायण इसी लाइन से शुरू हुई है, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नामा जना श्रुता। लेकिन वो अपने खानदान का कभी वर्णन नहीं करते, जिससे भी मिलते हैं वो कहते हैं, अहिल्या के पास गए तो उनसे क्या कहते हैं, माँ मैं दशरथ का पुत्र अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ आपको प्रणाम करता हूँ। पिता का नाम इसलिए बताते हैं कि भारत में परंपरा है, गुजरात में तो और महाराष्ट्र में तो पिता का नाम बीच में जोड़ा जाता है। लेकिन वो अपने अहंकार में, इसलिए रावण की शक्ति भय देती है और राम की शक्ति निर्भय देती है। रावण अहंकार में अपमान करता है और राम छोटे आदमी को भी उठा लेते हैं। रावण सैडिस्ट है, बहुत सारे लोग सैडिस्ट होते हैं इस देश में। बहुत सारे लोग इस बात से दुखी हैं कि उनका पड़ोसी सुखी है, अपने सुख से कोई प्रसन्न नहीं है। रावण की यही समस्या है, वो सैडिस्ट है। हनुमान की पूंछ काटता है, कहता है कि सबसे पहले सुनी विहस बोला दसकंदर, अंग भंग कर पठियो बंदर, इस बंदर की पूंछ काट के भेजो। वो भी कलाकार आदमी थे, उन्होंने कहा काम शुरू करो, चलो देखते हैं। पूरा तेल वेल डला, सब कुछ डला, मैनेजमेंट के उदाहरण है वो, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। कपड़ा रावण का, तेल रावण का, जली रावण की, पूरी लंका जलाई, केवल एक घर नहीं जलाया। किसका? विभीषण का। क्यों? उनके ऐसे तेल ही नहीं आया था, सबने तेल भेजा, उन्होंने नहीं भेजा, बोले इनका इन्वेस्टमेंट ही नहीं है कंपनी में, देने के डुबोना। बात खत्म। लेकिन राम जटायु के घाव साफ करते हैं। आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और कहा कि मैं दुर्भाग्यशाली हूं कि मुझे अपने पिता का अंतिम संस्कार करने का अवसर नहीं मिला। हे संत, हे जटायु, हे गिद्धराज, आज आप मुझे अपना अंतिम संस्कार करने का अवसर देकर मेरे पुत्र होने को पूरा कर रहे हैं। ये कहा। शत्रुघ्न बंधन मुक्त है, उनके पास बंधन नहीं है। एक करेक्टर और राम कहानी में जिसका जिक्र ही नहीं होता, शत्रुघ्न। सब अपने अपने काम में चले गए, वो वही है। आज मैत्री शरण गुप्त का जन्मदिन है, मैं कई बार उन्हें याद कर चुका। मैत्री शरण गुप्त के यहाँ मांडवी, भरत की पत्नी मांडवी कहती है, कोई तपस्वी, कोई त्यागी, कोई यहाँ बैरागी है, हमारे घर में बड़े खलीफा हैं। कोई तो तपस्वी हमारा पति, कोई त्यागी हमारे जेठ जी, कोई बैरागी हमारा दूसरा देवर लक्ष्मण जंगली चला गया, मेरा पूरा घर संभाले, छोटे देवर बड़ भागी हैं, पूरा घर संभाल रखा है, मेरे छोटे देवर सबसे अच्छे हैं। उर्मिला मुदिता है, बेटी की तरह प्रसन्न रहती है। तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए मैनेजमेंट गुरु, एज ए ब्रदर, एज ए फादर, जितने भी प्रकार से राम ने इस जीवन को बड़ा किया है, अगर वो हम में थोड़ा 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 आना प्रारंभ कर दे तो हमें ठीक हो जाए। सागर निजामी ने, यहां इस्लाम मानने वाले बैठे हैं, हिंदुस्तान बिना राम के नहीं है। साहिले सरजू यहां, गंगा यहां, जमुना यहां, साहिले सरजू यहां, गंगा यहां, जमुना यहां, कृष्णा और राधा यहां, रामा यहां, सीता यहां, हिंदियों के दिल में बाकी है मोहब्बत राम की, मिट नहीं सकती कयामत तक हुकूमत राम की। ये सागर निजामी कहकर गया। अल्लामा इकबाल ने कहा है, राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। मेरे मन में बड़ी शंका थी कि बात क्या होगी, मैं बोलूंगा क्या, इसकी कोई तैयारी नहीं है, बस मेरे पास जो है मैं वही सुनाना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ खुद से, राम के माध्यम से, कृष्ण के माध्यम से, आद्य शंकराचार्य के माध्यम से, बुद्ध के माध्यम से, महावीर के माध्यम से। राम भी महावीर हैं, जैन समाज के लोग बैठे होंगे, महावीर को अरिहंत कहा जाता है। अरिहंत मतलब जिसके शत्रु मर गए हों, जबकि उन्होंने किसी को मारा नहीं है। तो शत्रु को मारने का क्या तरीका है? या तो शत्रु को मार दो या शत्रु को मित्र बना लो। अपने शत्रु को मित्र बना लो तो आप अरिहंत हो जाओगे।
इसीलिए जैनियों के 24 तीर्थंकर क्षत्रियों से आए हैं। समझ लीजिए, जो वीर नहीं हो सकता वो महावीर नहीं हो सकता। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो इसलिए पूरी राम कहानी का जितना विस्तार है, जिस पर मैं कल भी चर्चा करूंगा, जितना मुझे स्मरण आएगा, और आज जो लोग आप में से कुछ प्रश्न देंगे, एक बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मेरा कोई डिक्लेरेशन नहीं है कि मुझे सब पता है। सर्वज्ञ होने का डिक्लेरेशन नहीं है, और ये डिक्लेरेशन तो जयपुर में खत्म हुआ था 1993 में। पहली बार मैंने नौकरी शुरू की, मेरे दो विद्यार्थी सुनने आए हैं, एक तो पुलिस में काम करता है, यहाँ पर इंस्पेक्टर है, आज सुनने आया, बोला गुरुजी सुनने आऊंगा। मैंने कहा तब ढंग की बात सुनी होती तो ज्यादा बड़ा अफसर बनता जब मैं पढ़ाता था क्लास। क्योंकि लोगों को जो अहंकार है कि मुझे सब पता है, ये उनकी यात्रा को समाप्त करने जैसा है। मैं यहाँ राजस्थान में जब इंटरव्यू देने आया था, कॉलेज का नाम नहीं बताऊंगा, मुझे याद है 1 जुलाई का इंटरव्यू था। यहाँ एक हिंदी के बड़े प्रोफेसर थे, मेरे पिताजी के दोस्त थे, मैं उनके घर पर रुक गया 30 जून की रात को। मुझसे बोले कि क्यों आए थे, मैंने कहा जी वो कल उस कॉलेज में इंटरव्यू है लेक्चरर का, हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके लिए आया हूँ। बोले तू मुझसे फ़ोन करके पूछ लेता, वहाँ तो फलाने जी जो प्रोफेसर है उनकी बेटी का होगा, पहले से ही तय है। तो मैंने कहा 150-200 लोग बुला लिए इनका क्या। बोले दिन भर चाय समोसे खाएंगे सुनेंगे। बोले मुझे ही जाना था इंटरव्यू में, लेकिन अब मैं नहीं जा रहा हूँ तो तू क्या करेगा। मैंने कहा जब आया हूँ तो जाऊँगा, इंटरव्यू तो देके आऊँगा। मैं सुबह से बैठा रहा, मेरा नाम विश्वास कुमार शर्मा है, तो वी पे मेरा नंबर आया आखिर में। जंगल में कॉलेज था वो, वहाँ कुछ मिलता नहीं था, समोसे और चाय, समोसे मैं खाता नहीं, चाय कितनी पीऊँ, उन दिनों चाय और चाय वाले लोकप्रिय भी नहीं थे। शाम तक ऊर्जा का दम निकल गया। तो राजस्थान विश्वविद्यालय की एक प्राध्यापिका थी हिंदी की, वो बैठी थी इंटरव्यू लेने के लिए, खाना पूरी हो रही थी, अब बताइए आप, एक लड़का आया बेचारा, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी टॉपर, नेट क्लियर कर रखा है, आया है। तो मैं आया, उन्होंने पहला सवाल, मेरे जीवन के साक्षात्कार का पहला सवाल, इसके बाद तो मैंने गूगल हेडक्वार्टर्स में इंटरव्यू दिए, बीबीसी में इंटरव्यू दिए, सीएनएन में इंटरव्यू दिए, दुनिया में सबको इंटरव्यूज दिए, लेकिन वो पहला इंटरव्यू था मेरे जीवन का। उन्होंने मुझसे पहला सवाल पूछा, कहाँ से आए हो? तो मैंने कहा कि मैडम मेरठ विश्वविद्यालय से आया हूँ। तो मुझसे पहला सवाल विश्वविद्यालय में, कितने में मिलती है मैं पीएचडी? और मैं प्रारंभ से ही अभद्र था, तो मैंने कहा आपने जितने में लिए उससे सस्ती दिला देंगे। तो बोली कि वो छक पका गई, लोग हंसने लगे अंदर जो बैठे थे। बोली आप तो साक्षात्कार देने के मूड में नहीं लग रहे। मैंने कहा जी मैं तो कल रात से मूड में हूं। तो बोली अच्छा क्या पूछे हैं आपसे? मैंने कहा कुछ भी पूछिए। तो कहने लगी कि अच्छा आप सर्वज्ञ हो, कैसा बात है आपको? मैंने कहा नहीं मैडम, सर्वज्ञ तो मेज के उस पार होते हैं, मेज के इस पार तो अल्पज्ञ होता है, तो मैं अल्पज्ञ हूं। तो मुझसे बोली कि आप ज्यादा विराट प्रतिभाशाली लग रहे हो, इतना छोटा कैंपस आपकी प्रतिभा संभाल नहीं पाएगा। तो मैंने कहा जी जो आप कह रही हैं, अंदर से मेरे भी यही आवाज आ रही है। और ये कह के प्रणाम करके मैं निकल लिया। मुझे लगता है कि अगर उस दिन उन्होंने मुझसे ठीक से व्यवहार कर लिया होता तो मेरी जिंदगी ठीक ना होती। जो अपने से बाहर आया उसको सारा संसार मिला। तो एक तो मुझे यह भ्रम नहीं है, कल भी मैं जिस पर चर्चा करूंगा, कि मुझे कुछ अधिक पता है। मुझे ऐसा लगता है, मैं इस समय ऐसा सोचता हूं कि आइंस्टाइन पढ़ाते हो आप अपने बच्चे को, आइंस्टाइन की जीवनी पढ़ो, आप चार्ली चैपलिन पढ़ाते हो कि चार्ली चैपलिन पढ़ो, आप कहते हो कि गांधी से सीखो, आप कहते हो नेल्सन मंडेला से सीखो, जब इनसे सबसे सीख सकते हैं तो हमारे घर में जो बड़े हुए उनसे हम नहीं सीख सकते। तो जितनी भी कहानी है, जितनी भी अगर कहानी की तरह भी सुनो, तो अपने आप में ये एक गाइडलाइन ऑफ लाइफ है जो जीवन में सीख सकते हैं। अभी जो धर्म की जितनी भी व्याख्या हैं, वो सारे व्याख्याकार राम को उस तरह से बताने की कोशिश अधिकतम लोग कर रहे हैं जैसा राम ग्रंथों में है। मैं कहता हूं आज इस सभागार से हम सब अपना अपना राम लेके जाएं। और महिलाएं बैठी हैं यहां पर, महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा एपिटॉम है राम। वाल्मीकि रामायण में पढ़िए, जब अहिल्या के पास गए तो पूछा कि ये किसका आश्रम है, इतना उजड़ा हुआ सा, इतना सुंदर है लेकिन उजड़ा हुआ क्यों है? तो किसी ने कहा कि गौतम की पत्नी है, इनके ऊपर अपयश का दाग लग गया है, बोलती नहीं है, बात नहीं करती है किसी से, ये कैसी स्त्री है जिसके खिलाफ एक अफवाह फैला दी गई है, गंदगी फैला दी गई है। वाल्मीकि रामायण में आप देखिएगा तो राम जाते हैं और पैर छूकर कहते हैं कि मां
मैं दशरथ का पुत्र राम अपनी पत्नी सीता और भाई के सहित आपको प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं। अगर कोई महिला जो इतनी ज्यादा समाज में त्याज्य हो उसे देश का सबसे बड़ा आदमी मां कहने लगे तो समझ लीजिए उसका कॉन्फिडेंस कितना लौटेगा। इसीलिए जो पत्थर जैसी बन गई थी वाल्मीकि रामायण में, शिला नहीं है अहिल्या, शिलावत है, पत्थर की तरह है। राम ने आदर का चरण छुआ तो उनके अंदर जिंदगी लौट आई। तो जितने भी लोग हैं वो अपना अपना राम यहां से लेके जरूर जाएं। और आपके प्रश्न अगर मुझे मिलेंगे तो मैं भी समृद्ध होऊंगा। आपके प्रश्न अगर मुझे आएंगे, जानकारी मिलेगी, तो मैं भी समृद्ध होऊंगा। ये जो कुछ भी चल रहा है, जो पिछले 30 वर्षों में किया है, कवि सम्मेलन के नाम पर, कविता के नाम पर, इसने लोकप्रियता दी है, इसने प्रतिष्ठा दी है, लेकिन आज जो मैंने आपके साथ दिया, इसने मुझे आत्मिक शांति दी है, अंदर से खुशी दी है। कि मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम, गाइए, की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम, मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम, जिव्यावाणी अर्थवती हो गई लगी जब जपने राम, जिव्यावाणी अर्थवती हो गई लगी जब जपने राम, मात पिता गुरु जन परिजन ने अपने अपने देखे थे, मात पिता गाइए जन परिजन ने अपने अपने देखे थे, दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम, दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम, अपने 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 राम, अपने 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 राम, अपने अपने अपने